हेलो लर्नर्स, वेलकम टू मैनेजमेंट क्लासेस विद पल्लवी। इस वीडियो में मैं अपने इकोनॉमिक्स का नेक्स्ट चैप्टर कवर करूंगी और उससे रिलेटेड आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगी। तो सबसे पहले आ जाता है डिफाइन द फॉलोइंग। इसमें पहला आ जाता है मार्केट। तो मार्केट क्या है? ये एक तरीके का सिस्टम है जो बायर्स और सेलर्स को एक दूसरे से मिलाता है, ठीक है, और उनको हेल्प करता है कि वो अपनी कमोडिटी को सेल करें और सेलर्स उसे परचेज कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका कि व्हाट इज़ मोनोपोली। सेकेंड सब पार्ट है इसका मोनोपोली मार्केट एंड ओलिगोपोली मार्केट। तो मोनोपोली मार्केट वो मार्केट सिचुएशन होती है जहाँ पर सिर्फ सिंगल सेलर होता है और जो प्रोडक्ट है उसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता है, ठीक है। और ओलिगोपोली एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर होता है जहाँ पर फ्यू फर्म्स कंपीट करती हैं विद ईच अदर फॉर देयर होमोजीनियस प्रोडक्ट और फॉर देयर डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है नॉर्मल प्रॉफिट्स। नॉर्मल प्रॉफिट्स वो प्रॉफिट्स होते हैं जो कंपनी को ज़रूरी है सर्वाइव करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है कार्टल। कार्टल क्या होता है? ये ग्रुप ऑफ फर्म्स होती हैं जो जॉइंटली अपने प्रोडक्ट का आउटपुट और प्राइसिंग पॉलिसी को सेट करती हैं ताकि वो मोनोपोली के बेनिफिट्स को रीप कर सकें, उनको अचीव कर सकें, मतलब मोनोपोली के बेनिफिट्स वो ग्रुप ऑफ फर्म्स अवेल कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका इक्विलिब्रियम प्राइस। ये प्राइस होता है जहाँ पर डिमांड जो है सप्लाई के इक्वल होती है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है वो है होमोजीनियस प्रोडक्ट क्या होते हैं। ये वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो आइडेंटिकल होते हैं, मतलब सेम होते हैं, किसके रिस्पेक्ट में? क्वालिटी, कलर, साइज, वेट, ठीक है। और जो मतलब ये आपस में हेट्रोजीनिटी नहीं होती है इन प्रोडक्ट्स के बीच में, मतलब सेम टेक्सचर होगा, सेम वेटेज होगा, सेम इनकी हाइट होगी, सेम लेंथ होगी, एवरीथिंग विल बी सेम एंड आइडेंटिकल। जैसे कि सीमेंट का एग्जांपल हो गया आपका, ठीक है, स्टील का एग्जांपल हो गया, ठीक है। इसका नेक्स्ट सब पार्ट आ जाता है हाउ इज़ प्राइस डिटरमाइंड अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन। तो जो प्राइस जो होता है अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन इज डिटरमाइंड बाय एन इंडस्ट्री बाय द फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। मतलब जो भी डिमांड और सप्लाई होती है उसी के अकॉर्डिंग ही प्राइस को डिटरमाइन किया जाता है इस मार्केट में, ठीक है। और ये जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट होती हैं, ओलिगोपोली, परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, और इसमें प्राइस को कैसे डिटरमाइन किया जाता है, प्रॉफिट को कैसे मैक्सिमाइज किया जाता है, ठीक है, एबनॉर्मल और नॉर्मल प्रॉफिट्स कंपनी कैसे अर्न कर सकती है, कहाँ पर अर्न कर सकती है, तो इसका पूरी डिटेल्स मैं ऑलरेडी अपनी लास्ट वीडियोज़ में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मेंशन कर दूंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं। और उस पर मूव ऑन करने से पहले, अगर अभी तक से आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ टू सब्सक्राइब माय चैनल। नीचे जो रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा हुआ है उस पर क्लिक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे चैनल से रिलेटेड लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है उसमें आपसे पूछा गया है कि कौन से ऐसे दो कॉमन फीचर्स हैं जो परफेक्ट और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट शेयर करते हैं। तो पहला आ जाता है फ्री एंट्री एंड एग्जिट और दूसरा आ जाता है परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स। इसका नेक्स्ट सब पार्ट आ जाता है इफ़ अ फर्म्स आर अर्निंग एबनॉर्मल प्रॉफिट्स, तो उस केस में जो नंबर ऑफ फर्म्स हैं इंडस्ट्री में वो किस तरीके से चेंज होंगी। तो अगर एबनॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न कर देती है फर्म स्टार्ट अर्न करना, तो उस केस में जो इंडस्ट्री है वो जो फर्म्स हैं उस इंडस्ट्री की वो इंक्रीज होने लगेगी। इसका रीज़न भी मैंने अपनी वीडियो में बताया है, आप वहाँ से देख सकते हैं, उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन एआर कर्व एंड द डिमांड कर्व इन अ मोनोपोली मार्केट, ठीक है। तो जो दोनों एआर कर्व और डिमांड कर्व होते हैं वो सेम होते हैं मोनोपोली मार्केट में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस व्हेन इंक्रीज इन डिमांड इज लेस देन इंक्रीज इन सप्लाई। तो इक्विलिब्रियम प्राइस जो है इस केस में इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है अंडर व्हाट कंडीशन डज द इक्विलिब्रियम प्राइस रिमेन्स अनइफेक्टेड when there is simultaneously increase in demand as well in the supply। तो इस केस में क्या होगा, जो इक्विलिब्रियम प्राइस होगा वो सेम रहेगा, ठीक है। तो ये दोनों केसेस थे इक्विलिब्रियम प्राइस से रिलेटेड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन कर लेते हैं। इसमें आपसे पूछा है कि व्हाट इज़ अ प्राइस टेकर फर्म और वो प्राइस टेकर कब कहलाती है। तो प्राइस टेकर फर्म वो होती है जो एक्सेप्ट करती है प्राइस एज बीन डिटरमाइंड बाय द फोर्सेस ऑफ द मार्केट डिमांड एंड द मार्केट सप्लाई। मतलब वो अपने आप प्राइस नहीं सेट करती है, जो भी मार्केट की डिमांड और सप्लाई होती है उसके बेसिस पर वो उस प्राइस को एक्सेप्ट करती है, ठीक है। और व्हेन इज़ अ फर्म कॉल्ड प्राइस टेकर, जब वो मार्केट फोर्सेज यानी कि जो डिमांड एंड सप्लाई है उसके बेसिस पर अपनी प्राइस को सेट करके अपना आउटपुट सेल आउट करती है, तो वो केस हो जाता है प्राइस टेकर का। और मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बता चुकी हूँ परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट होता है जहाँ पर जो फर्म होती हैं वो प्राइस टेकर होती हैं ना कि प्राइस मेकर होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है व्हाट डू यू मीन बाय एबनॉर्मल प्रॉफिट्स एंड एबनॉर्मल लॉसेस। तो प्रॉफिट्स तब एबनॉर्मल होंगे जब जो टोटल रेवेन्यू है वो ग्रेटर होगा टोटल कॉस्ट से, या फिर जो एवरेज रेवेन्यू है वो ग्रेटर होगा एवरेज कॉस्ट से। और एबनॉर्मल लॉसेस तब होंगे जब टोटल रेवेन्यू स्मॉलर होगा टोटल कॉस्ट से, मतलब कम होगा टोटल कॉस्ट ज़्यादा होगी, या फिर जब एवरेज रेवेन्यू कम होगा एवरेज कॉस्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है
है व्हाट इज़ द शेप ऑफ एआर एंड एमआर कर्व्स अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन, तो जो दोनों एआर और एमआर कर्व्स हैं वो एक सेम लाइन पे इंडिकेट होते हैं, ठीक है, मतलब वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होती है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इसका नेक्स्ट सपार्ट आ जाता है वाई आर एआर एंड एमआर इक्वल अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन, तो एआर कॉन्स्टेंट रहता है फॉर्म का, इसीलिए एआर जो होता है वो एमआर के इक्वल होता है। और इसकी फुल डिटेल्स मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में दी है, उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है उसमें आपको स्टेट करना है ट्रू और फॉल्स, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में करना है, परफेक्ट कंपटीशन के मार्केट के रिस्पेक्ट में करना है विद द रीजंस। तो पहला आ जाता है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट्स बी इट बेस्ट इज द बेस्ट कंपटीशन इन द मार्केट्स, सो द आंसर विल बी फॉल्स। क्यों? क्योंकि इसमें जो इंडिविजुअल फर्म्स होते हैं या जो बायर्स होते हैं उनका कोई भी कंट्रोल नहीं होता ओवर द प्राइस, इसलिए कॉम्पिटिशन इसमें नहीं होता है, ठीक है, बेस्ट कॉम्पिटिशन नहीं होता है। नेक्स्ट आ जाता है अ फर्म अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स इन दी लॉन्ग रन, नहीं, क्योंकि इसमें फ्री एंट्री और एग्जिट होता है जिसकी वजह से नॉर्मल प्रॉफिट्स लॉन्ग रन में अचीव नहीं कर सकती है फर्म। इसका रीजन भी मैंने नीचे आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बताया है, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया है, उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है। नेक्स्ट आ जाता है प्रोड्यूसर्स इन अ परफेक्ट कॉम्पिटिशन कैन चार्ज डिफरेंट प्राइजेस फॉर फ्रॉम डिफरेंट बायर्स, सो नो, क्योंकि यहाँ पर जो फर्म है वो प्राइस टेकर है ना कि प्राइस मेकर है, और इनकेस अगर वो हायर प्राइस जो प्रिवेलिंग प्राइस चल रहा है उससे हायर प्राइस पर भी कोट करता है अपना प्रोडक्ट बेचता है तो कंडीशन ये भी हो सकती है कि वो अपने कस्टमर्स को लूज़ कर सके और ज़ीरो डिमांड वो मार्केट में उसकी आ सके उसके प्रोडक्ट की, ठीक है। नेक्स्ट है डिमांड कर्व ऑफ द फर्म अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन इज़ परफेक्टली इलास्टिक, हाँ, क्योंकि जो भी इंडिविजुअल फर्म है जो सेल कर रही है अपनी कमोडिटी एट द एग्जिस्टिंग प्राइस, तो उस केस में अगर वो उस प्राइस से अबव सेल करती है तो मे बी, या उस प्राइस के लोअर सेल करती है तो मे बी चांसेस होते हैं कि उसकी डिमांड उस प्रोडक्ट की काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हो सकती है और ज़ीरो डिमांड भी वो फेस कर सकता है, तो इसलिए इलास्टिक होता है डिमांड का, मतलब चेंजेबल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है जो फर्म है वो प्राइस टेकर क्यों होती है, उसके आपको रीजंस देने हैं प्राइस कॉम्पिटिशन मार्केट में, ठीक है। तो पहली तो चीज़ ये है कि प्राइस टेकर होती है वो इंडस्ट्री के जो प्रिवेलिंग प्राइजेस होते हैं डिमांड और सप्लाई के बेसिस पर, उस पर जो उसके बेसिस पर प्राइस होती है उसको वो एक्सेप्ट करता है और उसी के अकॉर्डिंगली वो अपने प्रोडक्ट और सर्विस को सेल आउट करता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो नंबर ऑफ़ फर्म्स होती हैं परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में वो इतनी ज़्यादा लार्ज होती हैं कि कोई भी फर्म मार्केट सप्लाई को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। और दूसरा रीज़न क्या हो जाता है इसमें, जो परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में जो फर्म्स हैं वो मोस्टली होमोजीनियस प्रोडक्ट को सेल करती हैं, ठीक है, थीके? तो इसलिए नो फर्म कैन चार्ज अ हायर प्राइस देन दी मार्केट प्राइस, तो इसीलिए इसके लिए भी इस मार्केट में जो फर्म्स होती हैं वो प्राइस टेकर होती हैं ना कि प्राइस मेकर होती हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है उसमें जो फर्स्ट पार्ट आ जाता है वो ये है व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द डिमांड कर्व अंडर मोनोपोली, तो जो डिमांड कर्व होता है मोनोपोली मार्केट में वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, जो क्या शो करता है कि मोर कैन बी सोल्ड ओनली एट द लोअर प्राइस, आप ज़्यादा से ज़्यादा कम प्राइस पे सेल कर सकते हैं। नेक्स्ट इसका पार्ट आ जाता है व्हाट इज़ द शेप ऑफ एवरेज रेवेन्यू कर्व इन मोनोपोली, तो वो भी डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। नेक्स्ट आ जाता है व्हाट इज़ द शेप ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू कर्व इन मोनोपोली, तो जो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है वो भी डाउनवर्ड स्लोप करता है लेकिन वो एआर कर्व के हमेशा बिलो रहता है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन एआर कर्व एंड द डिमांड कर्व इन अ मोनोपोली मार्केट, तो एआर कर्व को ही हम डिमांड कर्व बोलते हैं इन दी मोनोपोली मार्केट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है गिव द टू एग्जांपल्स ऑफ द पावर ऑफ मोनोपोलिस्टिक टू प्रैक्टिस प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के टर्म्स में हमको यहाँ पे दो एग्जांपल देने हैं मोनोपोलिस्टिक मार्केट के। तो पहला आ जाता है जो एक सर्जन है किसी भी एरिया में, ठीक है, ओनली सर्जन, सिर्फ एक सर्जन है एक पर्टिकुलर लोकेलिटी में एरिया में, वो लोअर फी चार्ज कर रहा है पुअर पेशेंट से और ज़्यादा फीस चार्ज कर रहा है रिच वन से, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा एग्जाम्पल आपका जो ट्रैवल फैसिलिटीज़ जैसे इंडियन रेलवेज आ जाता है, तो वो सीनियर सिटीजन के लिए लोअर फेयर प्रोवाइड करती है एज़ कम्पेयर टू दी अदर सिटीजन्स ऑफ दी कंट्री। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको अगेन ट्रू एंड फॉल्स बताने हैं, बट नाउ आपको मोनोपोली मार्केट के रिस्पेक्ट में बताने हैं विद दी रीजंस, ठीक है। तो इसमें पहला आ जाता है डिफरेंस बिटवीन फार्म एंड इंडस्ट्री डिसअपीयर इन केस ऑफ मोनोपोली, येस, क्योंकि मोनोपोली में सिंगल प्रोड्यूसर होता है जो कमोडिटी को मार्केट में सेल करता है, तो यहाँ पर ना कोई फर्म है ना कोई इंडस्ट्री है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका सब पार्ट मोनोपोलिस्टिक फर्म हैज़ फुल कंट्रोल ओवर द प्राइस, येस, क्योंकि यहाँ पर वो सिंगल प्रोड्यूसर होता है मार्केट में और दूसरा कोई भी उसके पास
क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं होता है, ठीक है, इसलिए उसका फुल कंट्रोल होता है ओवर द प्राइस। नेक्स्ट आ जाता है, एबनॉर्मल प्रॉफिट्स आर पॉसिबल इन द लॉन्ग रन फॉर अ मोनोपोली फर्म। येस, एबनॉर्मल प्रॉफिट्स लॉन्ग रन में मोनोपोली फर्म अर्न कर सकती है। क्यों? क्योंकि लॉन्ग रन में भी मोनोपोलिस्टिक फर्म का फुल कंट्रोल रहता है ओवर द प्राइस, और अगर वो प्रॉफिट्स भी अर्न करता है तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती नए फर्म्स की टू एंटर इन द मार्केट। नेक्स्ट आ जाता है, डिमांड कर्व ना मोनोपोली स्लोप्स अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो ये फॉल्स आ जाएगा। क्यों? क्योंकि डिमांड कर्व जो होता है मोनोपोली का वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है लेफ्ट टू राइट, जो क्या शो करता है कि मोर ऑफ द प्रोडक्ट्स यू कैन सेल ओनली बाय लोअरिंग द प्राइस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सब पार्ट आ जाता है, टोटल रेवेन्यू कर्व इन मोनोपोलीज इनवर्स यू शेप, तो इसका जो आंसर आएगा वो ट्रू आएगा। टोटल रेवेन्यू कर्व इनवर्स यू शेप होता है, पहले वो राइज करता है डिमिनिशिंग रेट, देन उसके बाद वो मैक्सिमम पर पहुंच जाता है, पीक पर पहुंच जाता है, जहां पर जो मार्जिनल रेवेन्यू होता है वो जीरो के इक्वल हो जाता है, और फाइनली जो टोटल रेवेन्यू कर्व है वो स्टार्ट स्लोपिंग डाउनवर्ड, और जो MR होता है वो नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाता है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जाता है, उसमें आपको एक्सप्लेन करना है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन वो फॉर्म होती है मार्केट के, जहाँ पे बहुत सारे बायर्स और सेलर्स होते हैं, और जो बायर्स होते हैं वो डिफरेंशिएटेड या हेटरोजीनियस प्रोडक्ट को सेल आउट करते हैं, और उनका पार्शियल कंट्रोल होता है ओवर द प्राइस। नेक्स्ट आ जाता है प्राइस, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन मतलब जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से, जो कस्टमर होता है वो आइडेंटिफाई कर सकता है, डिफरेंशिएट कर सकता है एक प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट के किसके टर्म्स में, साइज, वेट, पैकेजिंग, लेबलिंग, टेस्ट के फॉर्म में। ठीक है, तो मतलब एक जैसे प्रोडक्ट नहीं होते हैं, या तो साइज़ में चेंज होगा, या वेट में चेंज होगा, या पैकेजिंग में चेंज हो जाएगा, तो वो क्या होता है हमारा प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट विल नेम द मार्केट विच हैज़ द करेक्टरिस्टिक बोथ ऑफ मोनोपोली एंड द परफेक्ट कॉम्पिटिशन, तो वो आ जाता है आपका मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। इसका नेक्स्ट सब पार्ट आ जाता है, व्हाट इज़ द शेप ऑफ द डिमांड कर्व अंडर मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, तो इसमें भी जो डिमांड कर्व होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, नेम द बेसिक करेक्टरिस्टिक विच मेक्स मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन डिफरेंट फ्रॉम परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट, तो जो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एक ऐसी करेक्टरिस्टिक है जो दोनों मार्केट को डिफरेंशिएट करता है। परफेक्ट कॉम्पिटिशन में होमोजीनियस प्रोडक्ट होते हैं, जो मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बता चुकी हूँ, और इसमें प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होते हैं, यानी कि हेटरोजीनियस प्रोडक्ट होते हैं। गिफ्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, आपको एग्जांपल देने मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट को, तो पहला आ गया इसमें जैसे टूथपेस्ट का मार्केट, जैसे कोलगेट हो गया, पेप्सोडेंट हो गया, और नेक्स्ट आ गया सोप मार्केट, जैसे पियर्स हो गया, लिरियल हो गया, लाइफ बॉय हो गया, डिटॉल हो गया। ठीक है, तो इनका पर्पस तो एक है, लेकिन ये प्रोडक्ट एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट है, पैकेजिंग में कह दीजिए, फ्रेगनेंसेज में कह दीजिए, या आप लेबलिंग में कह दीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ट्रू एंड फॉल्स बताने हैं विद रीजंस, और यहाँ पर हम बात करेंगे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट के बारे में। ठीक है, तो पहला आ जाता है इसमें सेलर ने मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट हैज़ फुल कंट्रोल ओवर द प्राइस, तो नहीं, सिंस यहाँ पे प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है, क्लोज सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल होते हैं, तो उनका पार्शियल कंट्रोल ही होता है ओवर द प्राइस। नेक्स्ट है, डिमांड कर्व फेसिंग अ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव फर्म इज लाइकली टू बी वेरी इलास्टिक। येस, क्योंकि यहाँ पर जो फर्म्स हैं वो क्लोज सब्सटीट्यूट्स को सेल आउट करते हैं, जैसे कोलगेट और पेप्सोडेंट, ठीक है, लाइफ बॉय एंड डिटॉल, तो यहाँ पर इसकी वजह से क्या है, जो डिमांड कर्व है वो वेरी इलास्टिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है, अंडर मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन अंडर मोनोपोली। येस, क्यों? क्योंकि मोनोपोली में कोई भी क्लोज सब्सटीट्यूट अवेलेबल नहीं होता है, जबकि मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में लार्ज नंबर ऑफ क्लोज सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल होता है। नेक्स्ट आ जाता है, इन द लॉन्ग रन विथ फ्री एंट्री एंड एग्जिट फर्म्स अंडर मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन अर्न जीरो नॉर्मल प्रॉफिट्स, या फिर हम इसको नॉर्मल प्रॉफिट्स भी कह सकते हैं, तो येस, इसके रीजंस है। पहला रीज़न ये है कि अगर फर्म जो है एबनॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न करना स्टार्ट कर देती है, तो नए फर्म्स जो हैं वो अट्रैक्ट होकर इस इंडस्ट्री में एंट्री लेती हैं, जिसकी वजह से टोटल सप्लाई इंक्रीज हो जाती है, मार्केट प्राइस रिड्यूस हो जाता है, और एबनॉर्मल प्रॉफिट जो है वो वैनिश हो जाते हैं। नेक्स्ट रीज़न आ जाएगा, न्यू फर्म्स जब मार्केट में एंटर करेंगे तो वो अपना प्रोडक्ट लोअर प्राइस में सेल करने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से ओल्ड फर्म्स को भी अपना प्राइस लोअर करना पड़ेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, प्राइस में फॉल आ जाएगा ऑफ बोथ दी ओल्ड एंड दी न्यू फर्म्स, और अल्टीमेटली जो नॉर्मल प्रॉफिट्स ही फर्म अचीव कर पाएगी, एबनॉर्मल प्रॉफिट्स अचीव नहीं कर पाएगी। नेक्स्ट रीज़न ये आ जाता है, जब न्यू फर्म्स ज्वाइन करते हैं इंडस्ट्री को, तो जो डिमांड होती है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की वो इंक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से फैक्टर कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से एबनॉर्मल जो प्रॉफिट्स होते हैं वो डिसअपेयर हो जाते हैं मार्केट से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ जाता है वो है आपका, व्हाट इज़ इंटरडिपेंडेंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ओलिगोपोली, तो ये एक वो सिचुएशन होती है इन विच प्राइस एंड आउटपुट पॉलिसी ऑफ वन फर्म सिग्निफिकेंटली डिपेंड्स अपॉन द प्राइस एंड आउटपुट पॉलिसी ऑफ द राइवल फर्म्स, मतलब कॉम्पिटिशन कॉम्पिटिटर्स के पॉलिसी पर बेस्ड होती है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर इंटरडिपेंडेंस बोला गया है। ठीक है, नेक्स्ट इसका सब पार्ट आ जाता है, व्हाई इज फर्म्स डिमांड का इंटर डिटर्मिनेट अंडर ओलिगोपोली, क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ हाई डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस
अटेंडेंस होती है, जो अभी हमने बात करी थी प्रीवियस पार्ट में, कि एक जो फर्म है वो अपने राइवल फर्म के आउटपुट और प्राइसिंग पॉलिसी पर डिपेंडेंट होती है। इसकी वजह से जो डिमांड कब होता है वो उसका इनडिटर्मिनेट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है वेरियस टाइप्स ऑफ ओलिगोपोली आपसे पूछा, तो पहले आ जाती है आपकी कोल्यूसिव ओलिगोपोली, या इसको हम कोऑपरेटिव ओलिगोपोली भी बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाती है नॉन कोल्यूसिव, नेक्स्ट है परफेक्ट, एंड नेक्स्ट है इम्परफेक्ट। इसके बारे में मैं डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर चुकी हूँ, उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको अगेन ट्रू और फॉल्स बताना है विद रीजंस, और यहाँ पे हम बात करेंगे ओलिगोपोली मार्केट के रिस्पेक्ट में। तो पहला आ जाता है फर्म्स डिमांड कब अंडर ओलिगोपोली इज इनडिटर्मिनेट, इसका रीज़न मैं दे चुकी हूँ, ट्रू हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो आउटपुट और प्राइसिंग पॉलिसी होती है उसकी वजह से एक फर्म दूसरी फर्म पे या अपने कॉम्पिटिटर पे इंटरडिपेंडेंट होती है। नेक्स्ट आ जाता है अंडर ओलिगोपोली फर्म्स फोकस ऑन प्राइस कॉम्पिटिशन, तो ये फॉल्स हो जाता है, वो नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन पर फोकस करती है टू अवॉइड प्राइस कॉम्पिटिशन। नेक्स्ट आ जाता है इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट कोलिशन इज प्रेफर टू कॉम्पिटिशन अंडर ओलिगोपोली, येस प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए कोलिशन को प्रेफर किया जाता है इस मार्केट में। नेक्स्ट आ जाता है कार्टल्स आर फॉर्म टू कंट्रोल द मार्केट सप्लाई नॉट द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, तो ये फॉल्स आ जाएगा। जो कार्टल्स फॉर्म्ड होते हैं वो दोनों सप्लाई एज वेल एज प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट को कंट्रोल करने के लिए फॉर्म किए जाते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा ओलिगोपोली फर्म्स ऑलवेज रिमेन फ्यू इन नंबर, तो येस इसके भी रीजन्स हैं। क्यों? क्योंकि जो ओलिगोपोली फर्म्स हैं वो लार्ज स्केल फर्म्स होती हैं जिनको ह्यूज इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट होती है, और इनको ह्यूज एडवर्टीजमेंट कॉस्ट भी इनकर करना पड़ता है, इसीलिए ये फ्यू होती हैं इन नंबर्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन कर लेते हैं, ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड है। तो इसमें पहला आ जाता है हाउ इज़ इक्विलिब्रियम प्राइस इफेक्टेड बाय इंक्रीज इन डिमांड, तो इन दिस सिचुएशन ऑफ इंक्रीज इन डिमांड अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, मतलब जो अदर फैक्टर्स हैं वो अगर कांस्टेंट रहते हैं तो कमोडिटी प्राइस राइज होगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इसी का ही अपोजिट हो जाएगा केस जब डिक्रीज इन डिमांड होगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका हाउ इज़ इक्विलिब्रियम प्राइस इफेक्टेड बाय इंक्रीज इन सप्लाई, तो व्हेन सप्लाई इंक्रीजेज इक्विलिब्रियम प्राइस विल डिक्रीज अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, और इसी का ही अपोजिट हो जाएगा कि हाउ इज इक्विलिब्रियम प्राइस इफेक्टेड बाय डिक्रीज इन सप्लाई, व्हेन सप्लाई डिक्रीजेज इक्विलिब्रियम प्राइस विल इंक्रीज अदर थिंग्स रिमेन कॉन्स्टेंट, मतलब वाइस वर्सा हो जाएगा। ठीक है, केस नेक्स्ट आ जाएगा आपका क्वेश्चन हाउ इज द इक्विलिब्रियम प्राइस ऑफ द कमोडिटी इफेक्टेड व्हेन डिमांड इंक्रीजेज मोर देन सप्लाई, तो अगर ये ऐसा केस होता है तो उस केस में इक्विलिब्रियम प्राइस जो है कमोडिटी का वो भी राइज हो जाएगा, अदर थिंग्स रिमेन कॉन्स्टेंट। ठीक है, और इसी का ही वाइस वर्सा अपोजिट हो जाएगा अगर आपका अपोजिट क्वेश्चन आता है हाउ इज द इक्विलिब्रियम प्राइस ऑफ द कमोडिटी इफेक्टेड व्हेन डिमांड इंक्रीजेस लेस देन सप्लाई। ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा कि जो इक्विलिब्रियम प्राइस है वो आपका फॉल हो जाएगा, अदर थिंग्स रिमेन द कॉन्स्टेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन में क्वेश्चन नहीं मेंशन है, मैं इसका वाइस वर्सा आपको करके वर्बली बता रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी इफ द सप्लाई कर्व शिफ्ट राइट वर्ड वेल डिमांड रिमेन्स कॉन्स्टेंट, तो जो इक्विलिब्रियम प्राइस है वो रिड्यूस हो जाएगा और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ एन इंक्रीज इन इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी, तो अदर थिंग्स रिमेनिंग द कॉन्स्टेंट, जब डिमांड और सप्लाई इंक्रीज होगी इन एन इक्वल प्रोपोर्शन। ठीक है, तो देयर विल बी नो चेंज इन द इक्विलिब्रियम प्राइस, हाउएवर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा व्हेन द डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक इफ सप्लाई इंक्रीजेज व्हाट हैपेंस टू द इक्विलिब्रियम प्राइस, तो इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो अनचेंज रहेगा विद परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व जैसे जैसे हमारी सप्लाई इंक्रीज होती रहेगी। सो ये कुछ क्वेश्चंस थे, आई होप मैंने पूरा चैप्टर कवर करने की कोशिश करी है इन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के थ्रू, और आपको समझ में आया है। और बाकी अगर आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियोस बना रखी हैं सेपरेट मार्केट से रिलेटेड, जिसमें AR, MR और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंडीशन सारी चीज़ें डिटेल्ड में एक्सप्लेन है, और उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे, आई होप आपको वीडियो समझ में आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कोई भी क्वेरी, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।